और अब खबरें विस्तार से। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में कार्यभार संभाल लिया है, अधिकारियों ने उनका मंत्रालय में स्वागत किया और इसके बाद मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कई बड़े फैसले उसके बाद सामने आते हैं। तेज आवाज में लाउडस्पीकर को लेकर सीएम ने पाबंदी लगाने के सीधे निर्देश दिए हैं, साथ ही खुले में मास्क की बिक्री पर भी रोक लगाने की बात कही है। तो कई बड़े फैसले लिए गए हैं, आपको तीन तस्वीर दिखा रहे हैं, कार्यभार संभाला उन्होंने, एक्शन में मोहन यादव नजर आ रहे हैं और कई बड़े फैसलों में सबसे पहले तो स्पीकर से जो तेज आवाज आती है उन पर लगाम लगाने की बात की गई है। भगवान का आशीर्वाद लेते भी आप देख सकते हैं मोहन यादव को, वो चेहरा जो अब मध्य प्रदेश में राज करेगा। मोहन यादव, मोहन की सरकार है और अभी सस्पेंस तो मंत्रियों को लेकर भी है कि कौन मंत्री बनाए जाएंगे, जिसका ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन खुले में मांस बिक्री पर भी रोक है, लगभग हम कह सकते हैं कि जो यूपी का मॉडल है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसमें कि सबसे पहले लाउडस्पीकर पर रोक की बात की गई है, मांस की बिक्री खुले में नहीं होनी चाहिए, ये भी मोहन यादव ने कहा है। बड़ा फैसला पहले ही दिन, उसके लिए 15 दिनों तक अभियान चलने वाला है, लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज बनाने की घोषणा की है, एमपी में साइबर तहसील बनाए जाएंगे, आदतन अपराधियों पर लगाम लगेगी, रामकृष्ण कुसमारिया को ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी नियुक्त किया गया, रामकृष्ण कुसमारिया जिन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं, अगले सत्र से ही सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। तो बार बार अपराध करता और छूट जाता है, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी हो गई तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए, उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे, अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। और अगली खबर राजधानी भोपाल से, गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, राजभवन में राज्यपाल की तरफ से उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। एमपी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं वो, और आपको बता दें कि राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे, राजभवन में शपथ दिलाया जाएगा गोपाल भार्गव को। गोपाल भार्गव जो कि प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे, टेम्पररी स्पीकर के तौर पर उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। फिलहाल वरिष्ठता के आधार पर सबसे पहले नाम गोपाल भार्गव का सामने आया था, इसे लेकर सहमति तमाम विधायकों के बीच भी बनती नजर आई और उसी के चलते प्रोटेम स्पीकर के तौर पर गोपाल भार्गव आज शपथ लेने वाले हैं, राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। कल हालांकि शपथ ग्रहण समारोह हुआ, महज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, लेकिन आज जो सिलसिला चला है प्रोटेम स्पीकर के साथ शुरू हुआ है, हो सकता है कि कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी जल्द से जल्द ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाए और सिलसिलेवार शपथ आप उन तमाम कैबिनेट के चेहरों की भी देखें। लेकिन धीरे धीरे अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। प्रोटेम स्पीकर को लेकर जानकारी, गोपाल भार्गव, ऐसा कई बार हो चुका है और इस बार भी वही स्थिति बनती हुई, गोपाल भार्गव सबसे वरिष्ठ विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा के चुने गए हैं। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना गया है,
वरिष्ठ है विधायक, क्योंकि इसलिए भी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी। फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस बरकरार है और आगे कब मंत्रियों को लेकर सस्पेंस खुलेगा और गोपाल भार्गव के बारे में भी जरूर। अब बिल्कुल देखिए, नई सरकार बन चुकी है मध्य प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ली, उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी जो है वो शपथ ग्रहण किया अपने पद की। और निश्चित तौर पर जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का भी जो गठन है वो हो जाएगा, उसको लेकर पार्टी स्तर पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि स्पीकर हो, और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जो है वो गोपाल भार्गव का नाम जो है सामने आया है और आज उन्हें राज्यपाल राजभवन में शपथ दिलाएंगे। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लगातार मध्यप्रदेश की जो रहली विधानसभा है वहां से गोपाल भार्गव जीतते हुए आ रहे हैं और सबसे सीनियर विधायक हैं। अगर मौजूदा सदन की बात करें, 16वीं विधानसभा की बात करें, उनके अनुभव और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए बीजेपी उन्हें लगातार बड़ी जिम्मेदारियां देती रहती है। जब 2018 में बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा था तो बीजेपी ने गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया था और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी गोपाल भार्गव निभाते हुए नजर आए थे। वहीं अब 2023 में जब एक बार फिर से बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत कर आई है, तो प्रोटेम स्पीकर का दायित्व निभाने के लिए गोपाल भार्गव का नाम जो है वो आगे आया है और आज वो प्रोटेम स्पीकर के लिए शपथ लेंगे और इसके बाद आगामी जो एक पूरी प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई होती है, प्रक्रिया होती है नए सदस्यों के शपथ ग्रहण की, वो सारी कार्रवाई को सुनिश्चित करने का काम जो है वो गोपाल भार्गव के द्वारा किया जाएगा। आने वाले एक से दो दिनों में ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी जो सस्पेंस बरकरार है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकता है और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर गोपाल भार्गव अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उसके बाद स्पीकर का जो चेयर है वो भी हो ही चुका है, नरेंद्र तोमर का नाम जो है वो स्पीकर के तौर पर लगातार रहेगा आगे की प्रक्रिया, चूंकि कैबिनेट के चेहरों को लेकर सबसे ज्यादा संशय। बहुत शुक्रिया आपका वासु फिलहाल जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्य सचिव को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मुख्य सचिव को लेकर आईएएस अनुराग जैन है जिनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अनुराग जैन जो कि 1989 के बैच के आईएएस अफसर हैं और इन दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। अनुराग एनएचएआई के अलावा पीएमओ में भी रह चुके हैं। इसके अलावा आशीष उपाध्याय का नाम भी रेस में चल रहा है। आशीष फिलहाल केंद्र में तैनात है। आपको बता दें कि मोहम्मद सुलेमान और राजेश राजौरा भी सीएम की रेस सीएस की रेस में हैं और एमपी में फिलहाल वीरा राणा के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार है। तो चीफ सेक्रेटरी के रेस में कौन कौन है ये हम आपको दिखा रहे हैं और अनुराग जैन का नाम हालांकि सबसे आगे फिलहाल नजर आ रहा है। और अब बात शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव शपथ ले चुके हैं, तो वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे और कई मेहमान भी यहां पर दिखाई दिए। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जगदीश देवड़ा अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाण करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में अब मोहन राज आ गया है। मोहन यादव को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेता शपथ के साक्षी बने। मोहन यादव के साथ जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं जगदीश देवड़ा, मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला ने भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बार प्रदेश में दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव सूबे के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले मोहन यादव प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला चुनाव से ठीक पहले मंत्री बनाए गए थे।
कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन अभी किसी और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन किया जाएगा, जातिगत समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल गठन की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सीएम मोहन यादव बाबा महाकाल की शरण में नजर आए। शपथ लेने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहली बार उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाते हुए नजर आए, उनके साथ तमाम टीम आज मौजूद दिखी। मोहन यादव आशीर्वाद लेने पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार में। कल शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद सीधे बाबा महाकाल के दर पर, उसके बाद कैबिनेट की बैठक भी उन्होंने की, तमाम बड़े फैसले। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी ये था कि बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर नई सरकार की शुरुआत से पहले आशीर्वाद लिया जाए। और भक्त भी माने जाते हैं मोहन यादव बाबा महाकाल के, क्योंकि उज्जैन दक्षिण से ही आते हैं, और इसीलिए सबसे पहले शपथ लेने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में वो पहुँचे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तमाम नेता कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। बाबा की पूजा में लीन आने वाले समय में हो सकता है किसी प्रकार से विकास की इबारत लिख सकें, इसकी कामना जरूर की। तो दर्शन के दौरान की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में सीएम ने दौड़ भी लगाई है। दरअसल कैबिनेट मीटिंग के लिए देरी हो रही थी और ऐसे में मंदिर में पूजा करने के बाद दौड़ते नजर आए मोहन यादव। देखिए किस तरीके से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मोहन यादव। शपथ ग्रहण के पहले दिन सीएम की समय के प्रति पाबंद रवैया जो था उनका, वो दिखाई दिया है। वो काफी ज्यादा पंक्चुअल नजर आए, वो लेट ना हो जाए पहले ही दिन, इसीलिए उन्होंने दौड़ लगा दी। और आप देखिए पीछे किस तरीके से बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मीडिया की कोशिश थी कि उनसे वो बातचीत करें, लेकिन इतने जल्दी में थे मोहन यादव कि वो खुद दौड़ लगाते हुए नजर आए। इससे पहले आपने देखा होगा जलाभिषेक करते, दुग्धाभिषेक करते उज्जैन में बाबा महाकाल के, और फिर उनको जाना था अपने दफ्तर, नए कार्यालय, नेताओं के बीच मौजूद रहना था, अधिकारियों के बीच मौजूद रहना था, कुछ दिशा निर्देश जारी करने थे, वो लेट ना हो जाए इसीलिए उन्होंने यहाँ पर दौड़ लगा दी। खबर भोपाल से आ रही है जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष कुंवर भंवर जितेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे। सभी 66 विधायकों को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। अभी एक और युद्ध बाकी है कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ काम कर रहे हैं, लेकिन गोविंद सिंह जो कि चुनाव हार गए हैं, अब ये देखने वाली बात कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से कौन होगा जो विधानसभा में उनकी तरफ से मुद्दों को उठाने का काम करता है। इससे पहले बीजेपी में आपने बड़ी हलचल देखी और अब कांग्रेस में मंथन का दौर। और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने कुछ नेताओं पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से कुछ लिखा गया है। उन्होंने लिखा, 2019 की हार के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर 2019 की हार के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर राहुल गांधी ने जिन आदर्श मूल्यों को स्थापित किया, आज पार्टी के बड़े नेता उन सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। राज्य के प्रभारी इस्तीफा देने की बजाय हार की समीक्षा कर रहे हैं, जबकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि हार की असली वजह यही प्रभारी है जो पीसीसी को एटीएम समझ रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से ये ट्वीट। आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप जानते हैं, अक्सर ही अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने में भी निडरता से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से उस सिलसिले का जिक्र जिसमें चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, यही मध्य प्रदेश में होना चाहिए उनकी तरफ से माना जा रहा है। सागर से बड़ी खबर आ रही है जहां ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाल बाल बाइक सवार बचा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, बेहद गंभीर यह हादसा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखें किस प्रकार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी, परखच्चे उड़ गए इस पूरी बाइक के।
और बाल बाल बच्चा बाइक सवार एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। महज कुछ क्षणों पहले अगर ये बाइक सवार थोड़ा और आगे होता बहुत घातक स्थिति हो सकती थी। सीसीटीवी फुटेज इसके आधार पर ट्रैक्टर चालक की भी तलाश जारी, क्योंकि फौरन ट्रैक्टर चालक भी फरार हो जाता है। आसपास लोग मौजूद थे जिन्होंने इस व्यक्ति को उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से ठीक है। छतरपुर का अब जिक्र करेंगे, जहां छात्रों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। बाइक सवार छात्र की दो अन्य छात्रों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे दोनों आरोपी छात्र बाइक सवार छात्र को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ रहे हैं। वीडियो वायरल हो गया है और ये सिविल लाइन थाना इलाके का बताया जा रहा है। एक के बाद एक कई छात्र अन्य छात्र को पीटते हुए थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाई है। सारे राह इस तरीके से मारपीट का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। छतरपुर की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, छात्रों के बीच की मारपीट, वजह अभी भी स्पष्ट नहीं। हालांकि संज्ञान में अगर मामला आया तो हो सकता है कि कार्रवाई भी छात्रों के खिलाफ हो। तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। खबर मुरैना से है, जहां शातिर चोरों ने एटीएम से लाखों रुपए चुराकर फरार हो गए। चोरी की वारदात एटीएम में अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, एटीएम की तोड़फोड़ हुई है बुरी तरह से और उसके बाद पैसा लेकर आरोपी यहां से भाग निकले। मुरैना की ये तस्वीरें एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल। लाखों रुपए लेकर यहां से चोर फरार हो जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन एक के बाद एक तमाम वारदातें मुरैना क्षेत्र में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हुई। देखिए, शीशे टूटे हुए नजर आते हैं, एटीएम मशीन पूरी तरह से नष्ट कर दी गई, अंदर रखे पैसों को निकालकर यहां से ये व्यक्ति फरार हो गए। कितनी संख्या में बदमाश पहुंचे, कब इस वारदात को अंजाम दिया, यह भी जांच का विषय। खंडवा का जिक्र करेंगे, अवैध हथियार तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, जहां पुलिस ने चार लोगों को पकड़ लिया। आरोपी के पास से 7 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। पकड़े गए दो लोग राजस्थान के जबकि 2 बुरहानपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। मुखबिर से सूचना मिलने पर 2 अपराधी देर राम और लक्ष्मण सिंह, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और इनसे पूछताछ की है। एमपी में मिलावटी दूध को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। तो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया कि दूध में मिलावट करने वालों और बिना लाइसेंस के दूध का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। आपको बताएं कि जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में दूध में जमकर मिलावट हो रही है, व्यापारी बगैर लाइसेंस के ही दूध का व्यापार कर रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक खाद्य सामग्री बेचने वाले हर व्यापारी को लाइसेंस लेना जरूरी है, लेकिन प्रदेश में लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। प्रशासन की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और शपथ पत्र में बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2000 लोगों को उन्होंने दंडित किया है और जो बगैर लाइसेंस के कर रहे हैं उनके भी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ शपथ पत्र में वचन दिया कि आगे भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और किसी भी कंडीशन में बगैर लाइसेंस के दूध बेचने नहीं दिया जाएगा और मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मिलावटखोर फिर भी इस तरह की हरकत करते हैं, मिलावट करते हैं, तो कोई सजा के लिए भी निर्देश? सजा के निर्देश दिए, उसमें एक्ट में ही प्रावधान दिया गया कि 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और सरकार की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें बहुत से डेयरी मालिकों को 2-2 साल की सजा दी गई है, वो दस्तावेज रिकॉर्ड में लिए गए। और अगली बड़ी जानकारी भोपाल से है, जहां सीएम ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सीएम मोहन यादव
जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल रहने के लिए कहा। आज दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी, सभी विभागों के एसीएस पीएस कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो सीएम ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है, दूसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक, अधिकारियों की सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, संभव है पहले दिन कुछ फैसले लिए गए हैं वैसे ही फैसले अगले दिन भी लिए जा सकते हैं। रतलाम का मेडिकल कॉलेज फिर सुर्खियों में है, इस बार कॉलेज के डीन की पिटाई का मामला सामने आया। यहां पर तीन डॉक्टरों ने मिलकर डीन जितेंद्र गुप्ता की पिटाई कर दी। डीन ने आरोप लगाया कि मेडिकल टीचर एसोसिएशन के डॉक्टर प्रवीण बघेल और उनके साथियों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के डीन ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और डीन को हटाने की मांग अब लगातार डॉक्टरों की तरफ से की जा रही है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।